है एवरीवन दिस इज श्वेता वेलकम टू यूपीएससी वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम कवर कर रहे हैं हमारे आर एस शर्मा को इलेवेंथ क्लास की ओल्ड एनसीआरटी को तो हमारा एंशेंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ चुका है लास्ट के हमारे कुछ चैप्टर्स हैं कुछ बेसिक्स है जो हमें जानने रह गए हैं तो आज ऐसा ही एक सुंदर सा चैप्टर है थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर है ये हमारा थर्टीएथ और इस चैप्टर का नाम है भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क तो अभी अगर मैं प्रेजेंट कंटेक्स की बात करूं तो आप जब भी देखते होंगे कि आ, इंडिया के एम्बेसडर्स दूसरी जगह पर रहते हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या अन्य जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जब दूसरे देशों के साथ आ, दूसरे देशों में जाते हैं उनसे मीटिंग्स होती है तो वहाँ पर एक कल्चरल रिलेशनशिप की बात होती है सांस्कृतिक संबंधों की बात होती है तो वो जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो आज नहीं बल्कि इंशियन टाइम पीरियड से बने हुए हैं यानी आज जब हम बात करते हैं चीन की हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तो ये एशिया के कुछ ऐसे क्षेत्र है या देश है जिनसे भारत का संबंध आज जो बनाने की बात की जा रही है वो आज नहीं बल्कि वर्षों पुराना है इवन प्राचीन इतिहास से ही इनके साथ भारत का संपर्क रहा है कैसे ये संपर्क स्थापित हुआ ये जो कल्चरल रिलेशनशिप है वो कैसे स्टैब्लिश हुआ था और वहाँ पर आ, उनके और हमारे बीच में किस प्रकार का आदान प्रदान हुआ यानी सांस्कृतिक संबंध जब बने हैं तो ऐसा नहीं होगा कि और संबंध नहीं होंगे व्यापारिक संबंध भी होगा अन्य संबंध भी होंगे तो उन सब के बारे में ही इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से बताया गया है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को ये चैप्टर ना केवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ चलना होगा आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि उन देशों के साथ भारत का संपर्क किस तरीके से बन रहा है ठीक है और जब आप उन देशों में कभी ट्रैवल करें आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं आप वहाँ पर घूमने जाएं या फिर वेस्टर्न एशिया में जाएं सेंट्रल एशिया में जाएं अफगानिस्तान जाएं तो वहाँ पर आपको भारत की एक छाप दिखाई देगी कई सारे ऐसी पर्टिकुलर लोकेशंस होगी जहाँ पर आपको इंडियन डाइस्पोरा दिखाई देगा तो एक्चुअली क्या ऐसा रीज़न है कि वहाँ पर भारतीय बसे हुए हैं वो भी एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत बड़ी संख्या हमें उनकी दिखाई देती है भारतीय मंदिर दिखाई दे रहे हैं बुद्धिज्म के अवशेष दिखाई दे रहे हैं तो वो प्राचीन काल से वहां पर बस चुके हैं तो वो कब समझ में आएगा जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप कभी ट्रैवल करने जाएंगे आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहां पर ये यह चीजें हमें मिलने वाली है ठीक है इवन मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं अगर आप कभी मौका मिले गोवा जाएंगे तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर रीजन मिलता है जहां पर बहुत सारे आपको पोर्तुगीज दिखाई देते हैं उसका क्या रीजन है वो तब जानेंगे जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री

और हमारे पास चार घंटे पाँच घंटे ऐसा नहीं है ना कि हम आपको चार चार घंटे पर डे पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके साथ में वो बाउंडेशन नहीं है जब आप घर में एनसीआर पढ़ते हैं तो आपके साथ में समय सीमा नहीं है पूरा समय आप ही का है चौबीस घंटा तो आप थोड़ा सा उस पर चीजों को आ, एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आ, आ, डिटेल में जाके एनालिसिस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद ले सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर एक टीचर के लिए करवाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का टास्क हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक सब्जेक्ट्स तो पढ़ाना नहीं बहुत सारे आप सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलनी है दूसरी चीज लाइन टू लाइन इसलिए मानकर चलता है कि हमें बुक पूरी लाइन टू लाइन पढ़ाई जा रही है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो बुक का कंटेंट है उसमें से कुछ चीजों को छोटा करके यहां पर लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूं ताकि यहां पढ़ने के बाद जब आप बुक को पढ़े आपको लगे कि हाँ यही चीजें हम इसी वे में पढ़कर आए हैं ठीक है तो बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वो बैचेस हैं जिनको आप ज्वाइन करके 2024 का अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं प्लान मैनर में तो आप चाहे तो इन बैचेस को ज्वाइन करिए बाकी YouTube पे आपकी सभी क्लासेस फ्री चल रही है आप उनका भी हेल्प लेके प्लान मैनर में प्रिपरेशन करके एग्जाम को दे सकते हैं अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है अभी भी कोई बच्चा 2024 की रेस में जाना चाहता है तो समय है आप जा सकते हैं मतलब आपका पूरा दिसंबर और इधर मान लो जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल चार महीने उधर के इधर एक पाँच महीने तो ये पाँच महीने तो आपके पास है अभी भी आप रेस से आउट नहीं हुए हो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप कूद सकते हो रेस में और इन पाँच महीने को सही तरीके से यूटिलाइज करके प्रिलम्स के लिए आप पूरी अच्छे प्लान वैनर में अपियर हो सकते हो कुछ साथ साथ मेंस का भी आप तैयार कर सकते हो मेंस मतलब जैसे कुछ अपना ऑप्शनल है थोड़ा बहुत ऐसे है अभी आपके पास समय है अभी अलर्ट हो जाइए अगर आप 2024 दे रहे हैं तो बिल्कुल सही समय अब डीले करो और एक दो महीने आपका लेट हुआ तो आप एग्जाम से आउट हो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होना है फिर वही है कि आपने पढ़ लिया ठीक है आप 2025 में ही जाके कुछ कर सकते हो और हाँ बहुत अच्छे बच्चे जो बहुत प्रिपरेशन कर चुके हैं उनकी अलग बात है वो तो दो महीने पहले भी रिवीजन देके प्रीलिम्स निकाल लेंगे ठीक है चलो अभी बढ़ते हैं आगे डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे आते हैं बहुत खूबसूरत चैप्टर मतलब इतना सुंदर चैप्टर है ना आपको पढ़ने में मजा आएगा इसको काफी भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संबंध तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है थोड़ा सा हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ठीक है आप सभी वर्ल्ड मैप को अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे मैंने पहले भी बोला है कि ऑक्सफोर्ड का एटलस ला रख लीजिए और जब भी आप हिस्ट्री पढ़े ज्योग्राफी पढ़े कुछ भी पढ़े प्लीज़ अपने मैप की बुक को खोलो जितना ज़्यादा वहां पे मैपिंग का यूज़ करोगे इमेजेस को देखोगे लोकेशंस को देखोगे उतनी क्लैरिटी आपके अंदर डेवलप होगी ठीक है तो इंडिया का सॉरी वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यूरोप है इधर पूरा अफ्रीका ये एशिया कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्क्टिका ठीक है यहां पे चैप्टर की शुरुआत कैसे कर रहा है भारत का तो भारत किसका पार्ट है भारत खुद एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, है ना सदन एशिया में पड़ता है ओके भारत का एशियाई देशों से संपर्क यानी ये जो पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है इसकी बात कर रहा है कि भारत का जो खुद एशिया महाद्वीप का हिस्सा है इसका एशिया के अन्य देशों से सांस्कृतिक संबंध यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं कल्चरल रिलेशन की बात कर रहे हैं ठीक uh, है सांस्कृतिक संबंध कैसे स्थापित हुआ था तो अब एशिया की किसकी बात करेगा ईस्ट एशिया सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया सदर्न एशिया है ना यहाँ पर हम श्रीलंका की भी बात करेंगे यहाँ पर हम साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस uh, uh, हैं या इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशंस हैं उनकी हम बात करेंगे या फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न एशिया वाला रीजन है जहाँ पर हमें चाइना दिखाई देता है Oh, my God. Uh, हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न एशिया वाले रीजन की हमें जापान दिखाई देगा अब क्या बोलते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दिखाई देता है सेंट्रल एशिया वाले रीजन की बात करते हैं अब नॉर्थ वेस्टर्न एशिया जहां पर हमें अफगानिस्तान दिखाई देता है उसकी बात करते हैं तो ये सारे कुछ ऐसे देश है ना जिनके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे कब प्राचीन काल में ही तो बस ये चैप्टर यही बता रहे हैं कि इन सभी एशिया के ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप की बात कर तो इन सभी एशियाई महाद्वीप के जो देश है ना इनके साथ में कैसे हमारे कल्चरल रिलेशन एस्टैब्लिशड हुए आई थिंक आप चैप्टर का मोटिव समझ पाए होंगे ये आपको क्या समझाएगा इस पूरे चैप्टर में ओके okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्लाइड वन से स्टार्ट करते हैं क्या बोलता है यहाँ पर राइटर राइटर की शु, राइटर शुरुआती ऐसे करता है कि आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कई सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा दावा किया है कि प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि भारतीयों को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है लेकिन इससे हमें कैस हमें क्या जाएगा दिमाग में एक इमीडिएट तो क्लिक ये करता होगा ना कि भारतीय भारत जैसा कोई कंसेप्ट तो नहीं था उस समय लेकिन हाँ एक जो क्षेत्र था क्षेत्र तक ही सिमटे रहते होंगे दूसरे देशों में नहीं आते जाते होंगे उनके साथ कोई संबंध नहीं होगा जो पूरी तरह से गलत है और राइटर बस इसी के साथ शुरुआत करता है कि जब आप ये बात सुनते हैं ना कि समुद्र पार जाना धर्म भ्रष्ट माना जाता था कि सात समंदर पार जाना गलत है इससे आपका धर्म

2700 BC से लेकर 1750 AD तक का टाइम सॉरी BC तक का जो टाइम पीरियड है इसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता तो 2700 ईसा पूर्व जीरो के 2700 साल पहले और जीरो के 2000 साल ये यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से भारतीयों के सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध रहे हैं देश के बाहर से समझ में आ गया है तो बस राइटर यहीं से शुरुआत करता है कि जब हम उस बात को सुनते हैं सात समंदर पार नहीं जाना है तो दिमाग में तो ऐसा कंसेप्ट आता होगा कि भारतीय भारत तक ही सिमट कर रहेगा लेकिन रियलिटी क्या है कि एंशियंट टाइम पीरियड से लगभग पांच वर्ष पूर्व से हड़प्पा युग से ही भारत अपने एशियाई पड़ोसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा था हमारे जो एशिया के पड़ो उसी देश है ये रहा पूरा भारत और ये पूरा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है इसके जितने भी अन्य देश हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे उनसे हमारे संबंध बने रहे हैं और हड़प्पा का यहाँ पर स्पेशल आ, क्यों हड़प्पा को मेंशन किया है क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी सिंधु नदी के चारों ओर बसी हुई थी और हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पैरल विश्व की दो प्राचीन सभ्यताएं दिखाई देती एक जिसे आप बोलते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता वेस्टर्न एशिया में दिखाई देता है यूफ्रिट और टिग्रिस रिवर के आसपास जिसे हम बोलते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता और इधर दिखाई देता है अफ्रीका के यहां पर जिसे हम बोलते हैं नाइल रिवर के चारों ओर मिश्र की सभ्यता ओके okay. तो भारत जो है ना भारत की सिंधु घाटी सभ्यता जब पनपी थी उसके पहले मेसोपोटामियन और मिश्र सभ्यता भी पनपी थी और हमें ऐसे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले पुरातात्विक साक्ष्य मिले चाहे हम लिखित की बात करें चाहे पुरातात्विक साक्ष्य दोनों हमें मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत के उस समय ही मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ संबंध थे कैसे पता लगता है तो मेसोपोटामिया में सील्स जो चलती थी वो कैसी सील्स होती थी सिलेंड्रिकल सील होती थी बेलनाकार सील चलती थी मोहरे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ट्रेड करते हुए उसका यूज़ किया जाता था छाप लगाने में तो मेसोपोटामिया की जो सील्स थी ना वो सिलेंड्रिकल शेप में होती थी उस पर ऐसे आकृतिक गुदी होती थी और उसको इस तरह से घुमा के सील लगाई जाती थी तो ऐसे मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील हमें इंडिया में मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता की कई सारी सील्स हमें मेसोपोटामिया में मिली है इसके अलावा अलावा मिसोपोटामिया के कुछ स्क्रिप्ट मिले हैं कुछ लिखा हुआ मिला है जिसमें मेलुहा वर्ड का यूज किया हुआ है वहां पर बताया गया है कि मेलुहा से किस तरह व्यापार किया जाता था और जब हमने उसको हड़प्पा सभ्यता से कनेक्ट करने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि जो मेलुहा टर्म है एक्चुअली ये हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज किया जा रहा है ठीक है हड़प्पा तो हमने नाम दिया ना उस समय पता नहीं इसका क्या नाम होगा क्योंकि हम तो पढ़ नहीं पाए हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है अभी तक उसको डेसीफर नहीं किया गया पढ़ा नहीं गया है तो हमें तो पता नहीं उस समय उसको क्या नाम से पुकारते होंगे हमने हड़प्पा साइट के, के नाम पर उसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस थे जिसने बताया कि इसके साथ इसके संबंध रहे हैं कब आज से पाँच साल पूर्व तो बस राइटर यहीं से शुरुआत करता है कि भारत हड़प्पा युग से ही अपने एशियाई पड़ोसियों से संपर्क बनाए रख रहा था भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुंचे जहां 2400 फोर बीसी से लगभग 500 वर्षों तक व्यापारियों की मोहरे पाई गई हैं सत्ताईस के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है जो उसका इनिशियल स्टेज था और इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर कब पहुंचती है लगभग ट्वेंटी फाइव के आसपास पच्चीस सौ ईशा पूर्व के आसपास यानी जीरो के पच्चीस साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर पहुंची और उस समय के कई सारे के मोहरे पर पाए गए और आगे आने वाले 500 वर्षों तक इनके बीच में बनते रहे। हमें कैसे पता लगा? ऐसी की बात करा यानी ठीक है यहां, यहां पर आ गया गया तो ईश्वी सन के आरंभ से प्रारंभ से भारत ने चीन हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र हो गया पश्चिम एशिया

एक नेबर है जिसका नाम है चाइना ईस्वी सन में हमारे चाइना से संपर्क स्थापित हुए कब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा हमने कुशानों के बारे में पढ़ा था यहां पर कनिष्क रूल कर रहा था उस समय हमारे रिलेशनशिप काफी बने थे चाइना के साथ में ओके साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इस समय हमारे सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे ईस्वी सन के आसपास वेस्टर्न एशिया वाला जो रीजन है इसके साथ भी हमारे इस समय सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे और रोमन एम्पायर तो जब भी अब मैं रोमन एम्पायर बोलूंगी आई होप सब बच्चे

आ है तो इसीलिए आपको कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है अगर आप एंशन करें तो मिडेवल सब पढ़ोगे ना कहीं ना कहीं उनका हमारे जो बाकी के नेबर्स हैं चाहे चाइना हो गया साउथ ईस्ट एशिया हो गया सेंट्रल एशिया हुआ वेस्टर्न एशिया हो गया या फिर रोमन एम्पायर कौन सा ईस्टर्न रोमन एम्पायर इन सबके साथ में हमारे व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए हैं ठीक है ठीके? अब यहां पर एक लाइन और जिक्र कर रहा है क्या चीनी रेशम मार्गम ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट अब ये सिल्क रूट की बात तो आज भी होती है ओके okay? और अभी कुछ समय पहले जो चाइना ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको हम बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ना ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अब चाइना ने स्टार्ट करा है कुछ वर्षों पूर्व एक्चुअली वो तो एनशियन टाइम पीरियड से चल रहा था उसका कोई नाम नहीं था लेकिन एंशियन टाइम पीरियड में आपने पढ़ा होगा कि जब कनिष्क यहां पर रूल कर रहा था फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास कुशान वंश का कनिष्क जब यहां पे रूल कर रहा था ये पूरा रीजन उसने कॉन्कर कर लिया था और इधर तक चाइना चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे ना वो इस सेंट्रल एशिया के रूट का यूज करते हुए यूरोप तक पहुंचते थे तो सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया यूरोप चाइनीज ट्रैवलर्स यहां से मूव करके जाते थे और वो लोग सिल्क का कर ट्रेड करते थे ओके okay, तो क्योंकि इस रूट से सिल्क का ट्रेड किया जाता था इसलिए इसे सिल्क रूट कहा जाता था और बाद में अभी कुछ वर्षों पहले वापस से चाइना ने इस रूट की बात की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत यहां पर इसका जिक्र होता है तो एक्चुअली ये रूट तो इन टाइम पीरियड का पुराना एंशियंट टाइम पीरियड से ही चल रहा है और कब कभी कभी स्टार्ट हुआ था फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास अब क्या लगातार ये रूट चलता रहा नहीं अब देखो होता क्या था ना कि उस समय राजतंत्र था कोई संवैधानिक तंत्र तो था नहीं किसी भी देश में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर तो दिखाई नहीं देता है हर जगह राजतंत्र ही चल रहा था तो जब कई बार ऐसा समय आता था जब कि कोई रूलर किसी रीजन को कौन कर कर ले रहा है तो ट्रेड रूट कई बार ब्लॉक भी हो जाते थे लेकिन हाँ ये रूट काफ़ी लंबे समय तक चला कई बार ब्लॉक हो जाते थे फिर स्टार्ट

नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां जब भारत के व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं तो क्या पता लग रहा है व्यापारिक संबंध यानी व्यापार के लिए वहां के लोग भी इंडिया आते होंगे इंडिया के लोग भी वहां जाते होंगे सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक संबंध का मतलब क्या हो गया धर्म से जुड़ा हुआ है यानी भारत के कई सारे धार्मिक पुरुष वहां जाते होंगे वहां के धार्मिक लोग यहां आते होंगे या धर्म के जिज्ञासु भारत से वहां जाते होंगे वहां के यहां आते होंगे ठीक है और इसी क्रम में कई सारे ऐसे रूलर्स भी होंगे जो अपनी टेरिटरी का एक्सपांशन करते हुए उन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर जाते होंगे तो लगातार भारतीय उन क्षेत्रों में किस रूप में बसे हैं या तो धर्म प्रचारक के रूप में गए और वहीं बस गए ठीक है या व्यापारी के रूप में गए वहीं बस गए या फिर कोई विजेता के रूप में गए और वहीं बस गए ऐसे ही वहां के भी कुछ लोग इंडिया में आए और आकर यहां बस गए तो जब भारतीय वहां बसे तो अपना कल्चर ले गए अपनी संस्कृति ले गए वहां के लोग जब इस रूप में भारत आए तो अपना संस्कृति लेकर आए और जब यहां आए तो उनका भारतीय संस्कृति के साथ या भारत का वहां की संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ एंशियंट टाइम पीरियड से जो आज भी हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है इसी वजह से जब भारतीय किसी दूसरे देश में जाते हैं जो भी इंडिया को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आ, 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 एक तरह से बोल सकते कि रिप्रेजेंट करते हैं उस समय सांस्कृतिक संबंधों की जरूर बात की जाती है ताकि हम बता सके कि आज भले यह देश हमसे दूरी बना लिया लेकिन ये वही देश है जिनके भारत के उतने प्रगाढ़ संबंध थे और जब उसको याद दिलाया जाता है तो एक अलग ही अपनत्व की भावना आती है तो कई बार हम फॉरेन रिलेशनशिप में इसका यूज करते हैं जैसे आपके कोई आ, 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 एक होता है ना पहले ब्रांचेस चलती थी ज्वाइंट फैमिली वाली कि चार पांच बाबा लोग हों फिर वो स्प्लिट होते 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 बहुत दूर चले गए फिर कभी आप उनसे मिले तो फिर वो संबंध आपने याद दिलाया तो वापस से अपनत्व की भावना आ जाती है तो बस इसका हम यूज करते तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप भी समझ इस, इस विकसित कर सके, ठीक है चलो अभी आगे बढ़ जाते I hope आप समझ पा रहे conceptual टाइप की हैं राइटर ने इंडिकेट किया कि किस तरह से संबंध स्थापित हुए धार्मिक व्यापारिक और विजेता के रूप में तो सबसे पहले हम उठाएंगे धर्म को कि हमारे रिलेशनशिप धार्मिक रूप से कैसे बने इन देशों के साथ रिश्ते बनाने में धर्म ने हमें कैसे सहायता दी तो बात कर रहे हैं सबसे पहले एक धर्म के जिसका नाम है बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका बर्मा चीन और मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क बढ़ा जब भी इनकी बात करेगा तुरंत आपको लोकेशन चेक करना है अब बुद्धिज्म जैसे ही फला फूला बुद्धिज्म का लोकेशन क्या था ये वाला रीजन था ना जहां पर हमें दिखाई देते हैं महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी है ना मगध के आसपास और बुद्धिज्म का टाइम पीरियड क्या था तो हम मानकर चलते हैं आ, आ, हमें पता लगता है कि छ सौ के आसपास जब महाजनपद टाइम पीरियड था उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म की नींव पड़ती है ठीक है फिर आगे चलकर ये बौद्ध धर्म के महावीर सॉरी बौद्ध बो, धर्म के महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो जो भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उन्होंने इस धर्म को आगे प्रमोट किया समझ में आया और आगे चलकर कई सारे बड़े बड़े विद्वान पुरुष या कई सारे बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया संरक्षक दिया अब जब वो इसके संरक्षक बने उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया इसी समय उन्होंने इसको स्प्रेड भी किया फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करूंगी किसकी? मगध के रूलर थे हमने उनके बारे में पढ़ा था जिनका नाम है बिब्बिसार बिम्बिसार बुद्धिज्म के प्रमोटर थे उनके बेटे अजात शत्रु वो भी बुद्धिज्म के फॉलोअर हुए तो उन्होंने बौद्ध संगति करवाई फिर हमें पता लगता है आगे अशोका द ग्रेट किंग उसने उन्होंने भी क्या करा बौद्ध संगति कराई और बौद्ध धर्म को प्रमोट किया फिर आगे हम देखते हैं कनिष्क के टाइम पीरियड में जो एक फॉरन फॉरन इन्वेडर था नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है इंडिया का वहाँ पर रूल कर रहा था सेंट्रल एशिया में रूल कर रहा था उसने भी बुद्धिज्म को प्रमोट किया वो भी इसका फॉलो था तो जब ऐसे राजाओं ने बुद्धिज्म को फॉलो करा और प्रमोट करा तो बौद्ध धर्म एक वो जरिया बना क्योंकि इन्होंने प्रमोट केवल अपने क्षेत्र या उसके आसपास में नहीं किया बल्कि दूसरे देशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया और जब अपने देश से दूसरे देश में बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए लोग भेजे फिर उन लोगों ने उसको अपनाया तो एक कल्चरल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुई तो बस यहां पर बात करें कि बौद्ध धर्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत का किन क्षेत्रों के साथ में सबसे पहले बात कर रहे श्रीलंका की ये यहां पर ये देखिए पर रहा श्रीलंका तो इसके तो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम इसके पैरल ही यहां पर आपको एक कंट्री दिखाई देता है उस समय बर्मा कहते थे आज इसको म्यांमार कहते हैं तो म्यांमार के साथ

ठीक है कनिष्क के टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म सेंट्रल एशिया में फला फूला और सेंट्रल एशिया से मूव करते करते कहा पहुंच गया ये पहुंच जाता है जापान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यहां तक पहुंच जाता है समझ में आ रहा है तो बुद्धिज्म ने कल्चरल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आई होप आप समझ पा रहे होंगे फटाफट -फड़ आ जाते किताबी भाषा पे ईशा पूर्व तीसरी सदी में थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास की बात कर रहा है। इस समय सबसे पहले अशोक के द्वारा भारत के बाहर जो भी उसकी टेरिटरी थी उसके बाहर बुद्धिज्म का फैलाव किया और अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए पहली बार कोई एक ऐसा रूलर था जिसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में दूत भेजे अपने बेटा बेटी तक को भेज रहे थे ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तो अशोक जो था उसने श्रीलंका भेजे अपने दूत को आगे ईशा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख हमें श्रीलंका में मिलते हैं अब जब श्रीलंका में वो दूत गए उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में या कई सारे लोगों ने उसे अपनाया धीरे धीरे ये लोगों के थ्रू वहां पर हमें टेरिटरी में ब्राह्मी में लिखवाता था, था बाकी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहां पर हमें खरोस्टी अरामाइक दिखाई देती क्योंकि वहां पर ज्यादा हमें ईरानी या यूनानी लोग बसे हुए दिखाई देते हैं तो अशोक ध्यान रख रहा था कि उसके टेरिटरी टरी के जिस क्षेत्र में जिस तरह के लोग बसे हुए हैं उनके समझ में आनी चाहिए अशोक की बातें तो वो उसी स्क्रिप्ट में लिखवा रहा था जिससे वो समझ पाए तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट ज्यादा फेमस थी अशोक की टेरिटरी में और जो लोग यहाँ से गए तो कई सारे ऐसे अभिलेख भी उनके साथ जाते हैं कहाँ पे श्रीलंका में तो बस राइटर बोलता है कि थर्ड सेंचुरी बीसी में श्रीलंका में पहुंचे अशोक के दूत फिर फर्स्ट और सेकेंड सॉरी सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में कई सारे ब्राह्मी अभिलेख हमें वहां पर मिलने लग गए और आगे में श्रीलंका में स्थायी तौर पर बुद्धिज्म ने अपने पाँव जमा लिए इतने जमा लिए पैर कि आज भारत से तो बुद्धिज्म अपना जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो खो चुका है लेकिन श्रीलंका में आज भी बुद्धिज्म की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी हुई है जितने स्क्रिप्ट यहाँ नहीं वहाँ ढेरों मिल रहे हैं और वहाँ के स्क्रिप्ट से हमें काफी कुछ पता लगता है उस समय के राजाओं के बारे में कि भारत में कौन रूल कर रहा था किस तरह की इकॉनमी थी किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था ठीक है श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ संग्रहित हुए और जिन पर कई सारी टिकाएं लिखी गई है अब जैसे जैसे श्रीलंका में बौद्ध फैल रहा था हमें पता है महात्मा बुद्ध जी के जो उपदेश देने का माध्यम था वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे पाली आम लोगों की भाषा वो जानते थे कि लोगों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है और कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम वही होना चाहिए जो लोग बोल पाते हो समझ पाते हो तो पाली ही लैंग्वेज का यूज करते हैं कौन आ, क्या बोलते हैं श्रीलंकाई लोग और वहां पर कई सारी पाली मूल ग्रंथों को संग्रहित किया गया ना केवल संग्रहित किया गया उनपे कई सारी व्याख्याएं या टीकाएं लिखी गई बौद्ध धर्म भारत में तो आगे चलकर आपको लुप्त, देखो ये जो टर्म यूज हो रहा है ना लुप्त इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझिएगा लुप्त का मतलब ये नहीं कि बुद्धिज्म के फॉलोअर्स इंडिया में खत्म हो गए नहीं लुप्त का मतलब ये था कि आगे चलकर हम देखते हैं गुप्त काल में जो ब्राह्मणिज्म था ना उन्होंने बुद्धिज्म को अपने अंदर समा लिया और ब्राह्मण ने एक कंसेप्ट दिया जिसमें महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को विष्णु जी का ही एक अवतार बोल दिया और हिंदू धर्म ने उसे अपने अंदर समा लिया तो वो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो खो चुका लुप्त होने का मतलब है कि वो आइडेंटिटी खत्म हो गई लेकिन आ, अगर हम वहां पर देखें श्रीलंका में तो वहां पर इस धर्म के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती रही और इंडिविजुअलिटी इसने आज तक अपना मेंटेन किया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है ईश्वी संघ की आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से फिर बर्मा में भी हुआ सबसे पहले किस में बात किया कि यहां से श्रीलंका कब मूव किया अशोक के टाइम पीरियड में थर्ड सेंचुरी बी के आसपास ठीक है काफी फलाफुला है पर फिर बोल रहे हैं कि यहां से यहां कब मूव किया आप पारे पिक्चर में अच्छे से ये रहा आपका बर्मा जिसको आज आप म्यांमार कहते हैं अपने अपने मैप पर चेक करिएगा एटलस में ठीक है तो भारत से बर्मा में जो स्प्रेड हुआ है ना बौद्ध का वो ईस्वी सन के आरंभिक सदियों में फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास की बात कर रहा है फर्स्ट सेंचुरी एडी में बर्मा में एक्सपेंशन हुआ अर्थात आधुनिक म्यांमार की ओर बर्मा लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है थेरवाद महायान बेसिकली जो बुद्धिज्म है ना बुद्धिज्म इनिशियल तो एक ही था लेकिन बाद में जैसे जैसे नए नए लोग इससे जुड़ते गए इसमें अलग अलग स्कूल्स हमें दिखाई देंगे यानी कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डिफरेंट हुआ और बौद्ध धर्म के ही सन्यासियों में दो गुट बनते हुए दिखाई दिए वो गुट जो थे वो अलग हो जाएंगे कब जब कनिष्क अपने टाइम पीरियड में एक चौथी बौद्ध संगति कंडक्ट कराता है Uh... कश्मीर में और वो जो चौथी बौद्ध संगति थी बैठक थी बुद्ध बौद्ध सन्यासियों की उसमें बौद्ध सन्यासी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए एक जिसको बोला गया हीनयान वाला सेक्ट और दूसरा जिसको बोला गया महायान वाला सेक्ट जो हीनयान वाला सेक्ट था वो वो थे जो महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर बिलीव करते थे और महायान वाले सेक्ट वो थे जो कि थोड़े से चेंज यानी ये बात करते थे कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होगी बड़े बौद्ध सन्यासियों की पूजा करनी होगी बड़े बौद्ध आपको मोक्ष दिलाने के लिए बैठे हुए इस तो इसके थ्रू महायान सेक्ट यहां से मूव करता है कहां पर चाइना की तरफ तो जब आप इधर देखोगे ना सेंट्रल एशिया चाइना, चाइना की तरफ तो यहां पर बौद्ध धर्म की कौन सी टीचिंग वाले ज्यादा दिखाई देते हैं महायान टीचिंग वाले ठीक है आगे चल के हीनयान या महायान में भी बहुत सारे स्कूल्स बनते हैं फिर हीनयान महायान के बाद एक तीसरा सेक्ट दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं वज्रयान वज्रयान बुद्धिज्म का एक ऐसा सेक्ट था जो जो मैजिकल पावर्स की बात करता है चमत्कारी शक्तियों की आपने कई सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी तिब्बतन मूवीज जो कि महात्मा बुद्ध आ, बुद्धिज्म से रिलेटेड मॉन्ग से रिलेटेड होती है और उसमें वो कुछ मैजिकल पावर्स की बात करते हैं तो ये जो वज्रियान वाला सेक्ट है ना ये हमें तिब्बत इधर वाले रीजन में दिखाई देता है या ईस्टर्न इंडिया ये जो जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले रीजन के जो बौद्ध सन्यासी हैं वो वज्रियान सेक्ट के हैं तो तीनों है बुद्धिज्म के ही लेकिन थोड़े से अलग अलग इनके थॉट प्रोसेस हो गए इसके अंदर भी कई सारे स्कूल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं उसी में से एक है थेरवाद अब आपका होमवर्क आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा थेरवाद किससे

हमें क्या बोलते हैं आइडल्स दिखाई देते हैं प्रतिमा दिखती है और कई सारे टेम्पल्स भी दिखते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बर्मा और श्रीलंका के बौद्ध ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की बर्मा और श्रीलंका में जितने भी बुद्धिस्ट मोंग थे उन्होंने बड़ी लेवल पर रचनाएं की हैं यानी अगर आपको बुद्धिज़्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आ, आ, उस समय के बारे में भारत का क्या स्टेटस था कौन रूल कर रहे थे तो आप यहाँ और यहाँ के बुद्धिस्ट टेक्स्ट का हेल्प ले सकते हो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा बुद्धिज़्म के बारे में और जब ये बुद्धिज़म के बारे में लिखेंगे तो ये इंडिया के बारे में लिखेंगे क्योंकि बुद्धिज़्म किससे जुड़ा हुआ था भारत से ही जुड़ा हुआ है ना वहीं से ओरिजिनेट हुआ है तो ये इसके बारे में लिखते हुए भारत का जिक्र करते रूलर का जिक्र करते ये भी ऐसा ही करते ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर Buddhism और कहाँ स्प्रेड होता है कनिष्क के शासनकाल से ही यानी जब कुशाण वंश के राजा कनिष्क रूल कर रहे थे मॉरियंस के बाद वाला अशोका के बाद वाला टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड इस समय कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए जिन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया जैसे इंडो ग्रीक थे शक थे पार्थियंस थे लास्ट में आए कुषान फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास तो जीरो के इधर जब कुशाण आए इनकी आप टेरिटरी देख सकते हैं कितना बड़ा टेरिटरी है ये यह यहाँ पूरा का पूरा इवन ये जो पूरा सिल्क रूट है ये इनके कंट्रोल में था सेंट्रल एशिया इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का नदन पार्ट था काफ़ी बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में था तो कनिष्क इस कुशाण वंश का बहुत फेमस रूलर था कनिष्क के शासन काल से ही कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन मध्य एशिया अफगानिस्तान में जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देने लग गए अब अशोका के टाइम पीरियड में जो प्रचार प्रसार हुआ वो इधर हुआ किधर श्रीलंका से मूव करके बर्मा गया लेकिन जब अशोका के बाद कोई बुद्धिज्म का प्रमोटर हुआ फॉलोअर हुआ वो कौन था बड़ा कनिष्क कनिष्क का रीजन क्या था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का नदन पार्ट तो अब यहां से बुद्धिज्म का फैलाव कहां पर होगा सेंट्रल एशिया वाले रीजन में चाइना वाले क्षेत्र में और वेस्टर्न शिया यानी अफगानिस्तान वाला जो रीजन है ना वहां पर ठीक है तो फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास अब बौद्ध धर्म किधर प्रमोट हो रहा है चाइना सिल्क रूट का यूज़ करते अब होता क्या था ना यहाँ से चाइनीज यात्री जो थे वो सिल्क लेकर जा रहे होते थे बीच में कनिष्क के जो लोग थे वो उनको रोकते थे वहां से कुछ ड्यूटीज टैक्स ये सब इम्पोज करते थे प्लस उनको बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था वो धीरे धीरे प्रभावित होते गए फिर यहाँ से बुद्धिज्म वहाँ फैला फिर वो जो चाइनीज ट्रेवलर जा रहे थे उनके थ्रू वो वेस्टर्न एशिया में जा रहा है अन्य क्षेत्रों में जा रहा है आप समझ पा रहे हैं तो इस समय कनिष्क के टाइम पीरियड में चीन मध्य एशिया अफगानिस्तान यहाँ पर कई सारे हमें बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स दिखाई दिए बौद्ध धर्म के सन्यासी उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं फहयान और हुइनसांग जैसे कई चीनी यात्री बौद्ध धर्म ग्रंथ और सिद्धांतों की खोज में भारत आए अब जब यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन पहुँच रही किसके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में चीन में और चीन में कई सारे लोग बुद्धिज्म के फॉलोअर हो हो चुके थे उसके बाद ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद आता है गुप्ता पीरियड गुप्ता के बाद आता है पोस्ट गुप्ता तो फाहायान हुन सांग का संबंध किससे गुप्ताज और पोस्ट गुप्ता पीरियड से तो उस समय तक ऑलरेडी चाइना में बुद्धिज्म काफी फैल चुका था और वो लोग काफी जिज्ञासा रखते थे बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी एकत्र करने के। करने के बारे में जान मतलब एकत्रित करना चाहते थे तो अब हमें दिखाई देता है गुप्तस पीरियड में पोस्ट गुप्ता पीरियड में कई सारे चाइनीज़ ट्रेवलर्स इंडिया में आते हैं जिनमें से दो फेमस का नाम फाहयान और ह्वेनसांग ना केवल ये भारत में आए जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था वहां पर गए वहां रहे कई सारी बौद्ध जो बौद्ध बो, धर्म से जुड़े हुए टेक्स्ट थे उनकी इन्होंने कॉपीज भी वहाँ से उठाई ठीक है और फिर ये न केवल भारत आए आगे चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुँचा जब चाइना में ये फैलता रहा तो धीरे धीरे यहाँ से मूव करेगा और मूव करते हुए कहाँ पहुँचेगा कोरिया में पहुंचेगा और मूव करते करते जापान में पहुंचेगा ठीक है तो देखो ये सिल्क रूट का यूज करते हुए पहुंच रहा है चाइना कब कनिष्क के टाइम पीरियड में आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा पिक्चर्स को ध्यान दीजिए और फिर आगे पता लगता है कि कई सारे चाइनीज ट्रेवलर्स जो हैं वो गुप्ता पोस्ट गुप्ता में इंडिया में आते हैं और यहीं से फिर जो बुद्धिज्म है वो चाइना से मूव करके जाता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और जापान वाले रीजन में क्लियर हो गया सभी के समझ में आ गया तो अब बौद्ध धर्म जा रहा है यानी क्या है भारत संस्कृति वहां पर मूव कर रही है ना ये सांस्कृतिक जो है जुड़ाव हो रहा है ना वो भी उसी को पूज रहे ये भी पूज रहे विदेशी भारत में आ रहा है किसी धर्म की जिज्ञासा को लेकर फाहयान आया, आया अन्य आ रहे और जब उस धर्म के बारे में जानने की इच्छा रख रहे हैं तो उस धर्म के साथ साथ वो अन्य चीजों के बारे में भी तो देख रहे हैं ना कि अच्छा भारत है है इतना खूबसूरत है इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडिया जो है हमें यहां पर आ, क्या बोलते हैं इंडिया जो है यहाँ पर ये रूलर रूल कर रहा है इतना अच्छा एक और है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं तो इसके बाद से वो यहां से जाएगा सेम बात वो अपने देश में कर रहा है जब वो अपने देश में ये सारी बातें बता रहा है तो वहां के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ वहाँ के बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया में आ रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं तो इन सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी बन रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो रहे हैं ठीक है तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं

थे वो किससे कनेक्ट हुए भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल सीखा किससे चीन से और चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारतीयों से सीखा यहां तक सबको क्लियर है हां जी ओके okay, तो इस तरह से हमारा जो है कनेक्शन बना किससे चीन से बनता है चीन से हमने कुछ सीखा हमसे चीन ने कुछ सीखा मतलब ये आदान प्रदान लगातार चल रहा था ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो महान केंद्र हुए थे वो दो महान केंद्र हमें कौन दिखाई देते हैं अफगानिस्तान और दूसरा सेंट्रल एशिया अब आपको शौक होगा अच्छा अफगानिस्तान बिल्कुल तो आप कई बार न्यूज़पेपर में सुनते भी होंगे और आता रहता है आए दिन कि भाई ये जो वहाँ पर हमें बुद्धिस्ट मठ दिखाई देता है उस पर बम गिरा दिया तोड़ दिया महत्मा बुद्ध की बड़ी प्रतिमा थी वो टूट गई या वहां पर बम गिरा दिया इस तरह की तो अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ा सेंटर था और स्पेशली अफगानिस्तान का एक रीजन है जिसका नाम है बामियान तो ये जो पूरा अफगानिस्तान वाला रीजन है ना और जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है ये दो बहुत फेमस सेंटर हुए थे बुद्धिज्म के ठीक है तो हम केवल सोचते हैं श्रीलंका बर्मा चाइना जापान कोरिया नहीं सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान वाला जो रीजन है यहां पर भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ कई सारी आ, 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 कई सारी सारी बौद्ध प्रतिमाएं दिखाई देती हैं प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित निर्मित इस तरह के बौद्ध सन्यासियों के लिए बनाई गई गुफाएं दिखाई देती है बौद्ध मठ दिखाई देते हैं ठीक है अफगानिस्तान में बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां और कई विहार मिले हैं जो बुद्धिज्म वाला चैप्टर था वहां पर हमने इन तीनों टर्म्स को क्लियर करा था विहार, इन सब को डिस्कस किया था और तो चैत्य बेसिकली या बड़े बौद्ध सन्यासियों के रेलिक्स जो शारीरिक अवशेष होते थे उसको एक छोटे से डब्बे में रखकर एक गुम्बदुमा स्ट्रक्चर बना के बाद में उसमें नई नई चीजें एड की गई उसको हम बोलते थे स्तूपा ठीक है तो हमें अफगानिस्तान का जो बेग्राम है बामियान ये दो फेमस लोकेशन या साइट्स दिखाई देती है और कई बार आप इसका नाम भी सुनते हैं स्पेशली बामियान का ठीक है तो बामियान और बेग्राम ऐसे दो फेमस लोकेशन हैं अफगानिस्तान पे अफगानिस्तान की जहां पर हमें बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां और बौद्ध सन्यासियों के विहारों के अवशेष दिखाई देते हैं अवशेष मतलब जो बचा हुआ है रेलिक्स जो है ओके okay, बेग्राम के हाथी दात की काश्तकारी मशहूर है जो बेग्राम लोकेशन है बोल रहा है कि यहाँ पर हमें हाथी दांत की कारीगरी दिखाई देती है काश्तकारी जो करी जाती थी वहाँ के कलाकारों द्वारा जिसने कुशाण काल की भारतीय कलाकारी से काफी समानता रखी है अब देखो यहाँ पर ना राइटर ये भी दिखा रहा है कि जब उसका और हमारा बौद्ध धर्म से संपर्क स्थापित हुआ तो कहीं ना कहीं अन्य चीजों का भी संपर्क आदान प्रदान हो रहा है जैसे वहां पर एक स्पेसिफिक हमें पता लग रहा है हाथी दात की काश्त कार्य की जा रही है और उसमें जो आर्ट फॉर्म यूज हो रहा है ना कुछ कुछ चीजें समानता दिखाई दे रही है किससे जो कुशान काल का आर्ट था उससे काफी कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है यानी जब ये रिलीजियस रिलेशनशिप बन रहा है तो उसके साथ साथ कई सारे और नई नई संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है कलाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है वही दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बामियान में ईसवी सन के आरंभिक वर्षों में चट्टान को काटकर बनाई गई यानी बुद्धिज्म का कितना

उसके फॉलोअर्स आ गए और जो बुद्धिज्म था वो धीरे 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 वहां पर अपना रूप खोता गया ठीक है यहां तक सबको क्लियर है कई स्थानों पर उत्खनन में कई बौद्ध विहार कई सारे बौद्ध स्तूपा और अभिलेख प्रकाश में आए हैं और भारतीय भाषाओं में लिखी पांडुलिपियां भी मिली है अब बात कर रहा हैं किसकी सेंट्रल एशिया वाले रीजन की तो बोल रहे कि जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है ना यहां पर हमें कई सारे जब हमने यहाँ पर उत्खनन किया एक्सकेवेशन हुआ तो कई सारे हमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्तूप और विहार मिल रहे हैं ठीक है थीके? ये अपने आप में इंडिकेशन है कि यहाँ पर इनके फॉलोअर्स होंगे अब वो फॉलोअर्स कोई रूलर भी हो सकता है वो फॉलोअर्स कोई ट्रेडर भी हो सकता है ठीक है अब जब उसके पास में अच्छा खासा धन संपत्ति होगा तो उसने दान दिया होगा या फिर खुद इस तरह के स्तूप और विहार का निर्माण कराया होगा तो यानी यहाँ पर भी अच्छे खासे हमें फॉलोअर्स दिखाई देते हैं कुशाण शासन के विस्तार से हरोष्ठी लिपि में लिखी गई प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली जहाँ चौथी सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख मिले हैं बोल रहे है इतना ही नहीं क्योंकि कुशांस रूल कर रहे थे इन सारे रीजन्स में ठीक है और कुशांस क्या कर रहे थे बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे स्पेशली कनिष्क जो है वो प्रमोट कर रहा था बौद्ध धर्म को तो उसने प्राकृत भाषा में खरोस्टी स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट को वो लोग पढ़ पाते थे तो ये सेंट्रल एशिया हो गया वेस्टर्न एशिया हो गया यहाँ पर ज्यादा खरोस्टी आरामाईक स्क्रिप्ट चलती थी तो कनिष्क के टाइम पीरियड में कुशांश के टाइम पीरियड में खरोस्टी स्क्रिप्ट में कई सारी हमें यहाँ पर पांडुलिपियां मिली हैं ओके जो कि बता रही है कि यहाँ पर किस तरह का बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार था या किस तरह से हमारे इनके बीच में सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता सातवीं के के तो उसके बाद से जो इस्लाम है उसने इसको रिप्लेस कर दिया डिस्प्लेस कर दिया या अपदस्त कर दिया समझ में आ गया वहीं अगर आप श्रीलंका की बात करें या साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या चाइना हो गया तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया नॉर्थ कोरिया, कोरिया वहां पर आज भी, कहीं ना कहीं ने अपना पूर्व एशिया में भी पहुंची, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं अब यहां पर बोल रहा है कि अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का अपने जो नेबरिंग एशियाई कंट्रीज है उनके साथ में कल्चरल रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश हुआ तो हमने जाना कि धर्म का एक रोल था और धर्म में हमने सबसे पहले किसकी बात की बुद्धिज्म की की। तो का जो इंपैक्ट था ना वो ज्यादा इंडिया से कल्चरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में किन देशों किन देशों से रहा था सिलोन जिसे आप श्रीलंका कहते हैं बर्मा जो हो गया चाइना वाला रीजन हो गया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान हो गया सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान लेकिन अब राइटर बोलता है कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया के देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का इतना बड़ा रोल नहीं था साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्रीज दिखाई देते हैं इंडोनेशिया हो गया मलेशिया हो गया कंबोडिया हो गया वियतनाम हो गया इन सबको मैप पर आपको लोकेट करना आपका होमवर्क है ठीक है तो ये सारे के सारे जो हमें कंट्रीज दिखाई देते हैं चाहे इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशंस दिखाई देते हैं इनके साथ में जो भारत के सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए हैं उसमें बुद्धिज्म का नहीं बल्कि उसमें हमें दिखाई देता है ब्राह्मण धर्म का रोल यानी ब्राह्मणिज्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ और इन दोनों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए उसमें ब्राह्मण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ब्राह्मणिज्म धर्म का ओके वैदिक रिलीजन का ओके अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है भड़ौच है वाराणसी है भागलपुर के व्यापारी बर्मा के साथ व्यापार करते थे जहाँ गुप्त काल के काफी बौद्ध अवशेष मिले हैं तो बौद्ध ब्राह्मणिज्म के साथ साथ बुद्धिज्म काफी इम्पैक्ट तो है लेकिन अगर मेजर हम देखें मेजरली रोल देखें तो ब्राह्मणिज्म ने ज्यादा इंफ्लुएंस किया है इन दोनों के बीच में कल्चरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना किसके बीच में साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के बीच में ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट भारत ने ईशिया की पहली सदी से फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही भारत जो है उसने इंडोनेशिया इंडोनेशिया जिसको आप क्या बोलते हैं जावा सुमात्रा हमें आइलैंड दिखाई देते हैं ठीक है ये रहा पूरा का पूरा आपको इंडोनेशिया इसको हम इरेज कर लेते हैं ठीक है अपने अपने एटलेस पे प्लीज चेक करिएगा ठीक है इसको पूरा हम बोल रहे हैं इंडोनेशिया यहां पर हमें छोटे छोटे से आइलैंड दिखाई दे रहे हैं एक जिसको आप बोल रहे हैं ये बड़ा आइलैंड सुमात्रा ये वाला आइलैंड जिसको आप

भारत सेंचुरी एडी में इंडोनेशिया के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है कई सारे इंडिया के ट्रेडर्स इस वाले रीजन में गए फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास और यहां से जाके हमारे और इंडिया के बीच में आ, क्या व्यापारिक संबंध स्थापित हुए ठीक है फिर यहां भारतीय बस्तियां सबसे पहले कब बरसती हैं छप्पन ईस्वी में कायम की गई ईशा की दूसरी सदी में यहां कई छोटे राज्य कायम हुए तो यहां पर डायरेक्ट अप्रोच रिलीजियस नहीं रहा सबसे पहले यहां पर भारतीय धार्मिक उद्देश्य से नहीं गए चाहे आपकी बात करें इंडोनेशिया जिसका एक पार्ट बात कर रहा है जावा स्वर्ण द्वीप यहां पर भारतीय गए थे व्यापारिक उद्देश्य से अब व्यापार करने के लिए गए तो जाकर वहां पर कुछ भारतीय बस भी गए ओके और फिर जब वो बसे हैं तो उन्हीं में से कुछ ने पर छोटे छोटे राज्य भी कायम किए यानी रूलर्स के रूप में भी हमें इंडियंस वहां पर दिखाई देते हैं जब चीनी यात्री फाहयान पांचवी सदी में जावा गया तो उसने वहां ब्राह्मण धर्म फैलाया और पता लगता है हमें कि फायन के बारे में सब जानते हैं कि गुप्त काल में किस तरह से वो आता है बुद्धिज्म के बारे में जानकारी एकत्रित करने कई सारे बौद्ध टेक्स्ट को यहाँ से लेकर जाता है तो वो इस जब रीजन से होकर जाता है जावा पहुंचता है तो उसने ब्राह्मणिज्म को काफी ज्यादा यहाँ पर प्रमोट किया ईश्वी सन के आरंभिक सद में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की तथा जावा व सुमात्रा भारतीय संस्कृति के प्रसार का द्वार बन गया वही अगर हम सुमात्रा की बात करें तो सुमात्रा में भारतीय संस्कृति के

इम्पैक्ट दिखाई देता है अः दूसरा जो धर्म का भी रोल है वो धर्म कौन सा ब्राह्मणिज्म की बात कर रहा है ठीक है तो राइटर क्लियरली बोलता है कि जो पूरा का पूरा इंडोनेशिया वाला आज का आप क्षेत्र देखते हैं यहाँ पर भारत के सांस्कृतिक संबंध या तो व्यापार की वजह से स्थापित हुए हैं या फिर ब्राह्मण धर्म की वजह से स्थापित हुए हैं एक एग्जाम्पल उसने जावा का दिया जहां पर कुछ व्यापारी गए फर्स्ट सेंचुरी एडी में जाकर बसे और आगे फिर जब गया तो उसने भी ब्राह्मणिज्म को यहां पर प्रमोट करा दूसरा सुमात्रा की बात कर रहा है सुमात्रा के साथ सांस्कृति, सांस्कृतिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में पल्लवास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो साउथ इंडिया में हमें दिखाई देते हैं ठीक है नेक्स्ट हिंद चीन अब ये जो टर्म यूज होता है ना हिंद चीन हिंद चीन साउथ ईस्ट एशिया के कुछ क्षेत्रों के लिए यूज होता है यहां पर बात कर रहा है किसकी वियतनाम कंबोडिया लाओस। संयुक्त रूप से जो वियतनाम कंबोडिया लाओस वाला रीजन है ना इसको क्या बोल रहा है यहां पर हिंद चीन बोल रहा है तो हिंद चीन में भारतीयों ने कंबोज और चंपा में दो शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। आगे बोलता है राइटर कि किएर या फिर कंबोडिया के नाम से जानते हैं और चंपा जो लोकेशन है यहां पर इंडियंस ने दो बड़े स्टेट को स्टैब्लिश किया राज्य स्थापित किया ठीक है यानी दो किंगडम्स किए कंबोज का शक्तिशाली राज्य छठी सदी में स्थापित हुआ 6th सेंचुरी एडी के आसपास हमें दिखाई देता है कि ये वाला जो रीजन है कम कमबोज का तो कमबोज वाले रीजन में 6th सेंचुरी एडी में हमें इंडिया के रूलर्स दिखाई देते हैं और वो किससे संबंधित थे वो शैव शासक थे यानी शैव शैव संप्रदाय को मानने वाले थे और जब वो खुद शैव शैव संप्रदाय को मानने वाले थे तो उन्होंने हिंदुइज्म को प्रमोट किया जो संस्कृत वि Deu. विद्या को काफी प्रमोट किया और इतना प्रमोट हुआ कि यहाँ ये वाला जो रीजन था ना कंबोडिया वाला रीजन ये संस्कृत विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया ठीक है आगे बढ़ते हैं कंबोज के ही निकट हमें दिखाई देता है उत्तरी वियतनाम वाला रीजन ठीक है यहां पर बोल रहा है कि शैव यहां पर भी शैव शासकों ने ही रूल किया था और उन्होंने राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया और यहां वेदों और धर्म शास्त्रों की शिक्षा को इतना प्रमोट किया कि ये जो रीजन था ना उत्तरी वाला रीजन ये वेद और, आ, वेद और और धर्मशास्त्रों का शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया ठीक है तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात किया कि इसके साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में हमें किसका रोल दिखाई देता है तो जहां पर कंबोडिया वाला रीजन है वहां पर भारतीय खुद राज्य स्थापित करते हैं ऐसे शासक थे दो जो शैव धर्म को मानते थे और शैव संप्रदाय के फॉलोअर्स थे और इन्होंने संस्कृत को प्रमोट किया ऊपर आ जाइए उत्तरी वियतनाम में यहाँ पर भी हमें ऐसे ही शैव संप्रदाय को मानने वाले रूलर्स दिखाई दिए और इन्होंने भी संस्कृत को काफ़ी प्रमोट किया चाहे कम्बोडिया है चाहे ये जो उसके ऊपर उत्तरी वियतनाम जिसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा है चंपा वाला तो ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हुए जहाँ पर संस्कृत को काफ़ी प्रमोट किया गया वेदों को काफ़ी प्रमोट किया और ये दोनों ही वैदिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमें एंशियंट टाइम पीरियड में ही उभरते हुए दिखाई दिए जिसका रिफ्लेक्शन अब तक हमें वहां पर दिखाई देता है इतना ही नहीं हिंद महासागर स्थित बस्तियां तेरहवीं सदी तक फलती फूलती रही या नए प्रकार की कला भाषा संस्कृति का उद्भव हुआ ये सब हिंद महासागर की बस्तियां अब इसके लिए हिंद महासागर क्यों यूज़ हो रहा है एक्चुअली तो ये क्या है इंडियन ओशन ही है ना इंडियन ओशन का ही एक सिरा जो इधर निकल जाता है इसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल और उसका एक सिरा उसको बोलते थे हम

स्थानीय तत्वों का सफल मिश्रण है बोल रहा है कि यहां पर कई सारी ऐसी हमें कलाकृति दिखाई देती हैं, जो कि भारतीय और स्थानीय तत्व भारतीय क्यों इन्वॉल्व कर रहा है क्योंकि इंडियंस का लगातार यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा है ठीक है हमने बात किया था अः जावा की वहां पे भारतीय व्यापारी गए और ये जाकर यहाँ पर बसे हमने बात किया सुमात्रा की पल्लवास के इन्फ्लुएंस में हमें यहाँ पर भारतीय संस्कृति दिखाई देती है हमने बात किया कम्बोडिया वाले रीजन की तो कम्बोडिया का हमने जाना कि जो कम्बोडिया वाला रीजन है वहां पर किस तरह से छठी सदी ईस्वी में भारतीय शासक हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं हमने बात किया वियतनाम के उत्तरी क्षेत्र चंपा वाले चंपा जिसे इंडिकेट करा चंपा के नाम से कि वहां पर भी किस तरह से शैव संप्रदाय को फॉलो करने वाले इंडियंस गए रूल किया उन्होंने और uh, संस्कृत को प्रमोट किया वैदिक शिक्षा को काफी प्रमोट किया ठीक है तो हमें पता लगता है कि वहां इन सब जगह पर हम देखते हैं कि भारतीय और स्थानीय तत्वों का तत्वों की संस्कृति का मिश्रण जो लोकल कल्चर होगा वो तो रहेगा ही ना वो थोड़ी चला जाएगा टच फील हो वो क्यों है? वो से है, फिर बोल रहा है कि यह अद्भुत है कि सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया का बोरोबूर में है ये देखिए ये रहा वो हमारा टेम्पल ठीक है तो इंडोनेशिया ये है यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल जिसका निर्माण कब होता है एट सेंचुरी एडी में हुआ इस पर महात्मा बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं ठीक है थीके? वही कंपोचिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है वो बोरो के मंदिर से भी बड़ा है और इस मंदिर के दीवारों पर हमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई दिखाई देती हैं तो ये कहाँ के एपिक्स है इंडिया के एपिक्स है ना रामायण महाभारत भारत के महाकाव्य है और ऐसे महाकाव्य की जो भी स्टोरी है वो आकृति के रूप में उत्कीर्ण की गई है उकेरी गई है, और वो कहाँ पर हमें उकेरी हुई दिखाई देती हैं कंबोडिया के टेम्पल्स में तो कंबोडिया में जो टेम्पल हैं वहाँ पर हमें इस तरह के रामायण और महाभारत जो एपिक्स है उसकी आकृति उकेरी हुई दिखाई देती है ठीक है इंडोनेशिया में रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर लोक नाटक खेलती है आप समझ पा रहे हैं तो लोक नाटक पहले भारत में भी काफ़ी हमें दिखाई देता था आ, आ, जब इतने सारे टेलीविजन्स नहीं होते थे आज जैसा मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी वाईफाई नहीं होता था तब लोक नाटक लोग बहुत अच्छे से देखते थे इवन हमारे टाइम पीरियड में लोक नाटक तो हमने इतना नहीं देखा लेकिन ऐसे मदारी वाले आते थे सपेरे वाले आते थे तो बहुत जमावड़ा लग जाता था आज इन जो एक बेसिक है ना वो खत्म हो चुका है मतलब वो वाली लाइफ और आज में बहुत डिफरेंस है और हम ऐसी जनरेशन है जिन्होंने दोनों को फील किया था हमें ये सौभाग्य बोले दुर्भाग्य बोले दोनों ही मिला है कि उस मैम मेमोरी को भी हमने देखा और इस मेमोरी को भी हम फील कर रहे हैं ठीक है और जो हमारे बाद वाली जनरेशन है वो तो जानते ही नहीं होंगे क्या मदारी क्या सपेरा है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं इंडोनेशिया भाषा भाषा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत दिखाई संस्कृत शब्द दिखाई देते हैं अब इंडियन कल्चर का इतना ज़्यादा इंपैक्ट है कि वहां का जो लैंग्वेज है ना उसमें कई सारे हमें संस्कृत के वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली ना अभी हमने देखा कि कंबोडिया में किस तरह संस्कृत को प्रमोट किया जा रहा है उत्तरी वियतनाम में कैसे प्रमोट किया जा रहा है अब इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वहां पर किस तरह से भारतीय कई सारे जा रहे हैं रूल कर रहे हैं अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें भारतीय भाषा भारतीय खान पान भारतीय अन्य संस्कृति भी रिफ्लेक्ट होगी ठीक है यह समझना गलत होगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रेय केवल धर्म को ही है इनके साथ साथ व्यापारी और विजयाकांक्षी भी जाते रहे और उन्होंने मध्य एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाया जो ये चैप्टर है ना इसने इंट्रोड्यूस किया कि भारत का सेंट भारत का अपने एशियाई नेबर्स के साथ में रिलेशनशिप और जब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो हमने सबसे पहला पॉइंट किसे उठाया रिलीजियस रिलीजन को कि धर्म का क्या रोल था धर्म में हमने सबसे पहले उठाया बच्चों बुद्धज्म और बुद्धिज़्म का कर डिस्कस करा कि बुद्धिज्म ने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया सिलोन श्रीलंका के साथ में बर्मा के साथ में सेंट्रल एशिया के साथ में अफगानिस्तान के साथ में चाइना के साथ में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान के साथ में फिर हमने दूसरा उठाया कि साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था यहां पर हमें दिखाई देता है क्या ब्राह्मणिज्म तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर इंडोनेशिया कि जावा में जाके व्यापारी बस रहे हैं सुमात्रा से पल्लवाज रिलेशनशिप्लिश कर रहे हैं इधर आ जाइए कंबोडिया के बारे में कि में हमें कुछ भारतीय रूल करते हुए दिखाई दिखाई दे दे रहे 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 हैं 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 वियतनाम में रूल करते हुए ऐसे लोग जो शैव संप्रदाय को मान वेदों को प्रमोट कर रहे हैं संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा के रूप में संज्ञा दे रहे हैं ठीक है तो बोल रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी रिलेशनशिप की बात की वो कैसे धर्म की वजह से स्टैब्लिश हुए लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरी स्टोरी में धर्म ही प्रभावशाली नहीं कई सारे ऐसे महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने विजय अभियान चलाया फॉर एग्जाम्पल चोलास के बारे में अभी हम पढ़ेंगे जब हमारा अर्ली मिडेवल पीरियड होगा वहां पर हम चोल के बारे में पढ़ेंगे नाइन्थ सेंचुरी एडी में और हम देखते हैं कि चोलास ने किस तरह से पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल को कौन कर लिया था अपने कंट्रोल में कर लिया था साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं ठीक है थेके? तो कई सारे विजयाकांक्षी यानी ऐसे महत्वाकांक्षी शासकों का भी रोल था जैसे हमने कुशान वंश के कनिष्क का देखा सेंट्रल एशिया पूरा जीत चुके था वो है ना वेस्टर्न uh, एशिया के काफ़ी सारे हिस्सों पर उसका कंट्रोल था तो उनका भी तो प्रभाव रहा था धर्म तो जा ही रहा लेकिन धर्म क्यों जा रहा है क्योंकि वो रूलर था वहां पर ठीक है इसके अलावा व्यापारियों का इन्फ्लुएंस रहा जैसे अभी हमने देखा कि जावा भारतीय व्यापारी गए फिफ्टी सिक्स बीस एस AD में जाकर बस रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा ये सुवर्ण द्वीप या ये किस लिए टर्म यूज़ हो रहा है व्यापारी वहां जा रहे हैं सोने की खोज में और उसको ये नाम दे रहे हैं तो व्यापारियों का भी रोल था राजाओं का भी रोल था ठीक है दक्षिण पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों को दिए गए नाम

कला धर्म लिपि भाषा के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देता है भारत का बहुत बड़ा योगदान है दूसरे देशों देशों के कला में दूसरे देशों की लिपि में उनकी भाषा में भारत ने विदेशी प्रभाव के बावजूद मतलब विदेश के जितनी भी संस्कृति था उसका भारतीय संस्कृति पर नो डाउट बहुत इंपैक्ट पड़ा लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी इंडिविजुअलिटी को मेनटेन किया हुआ है और उसका विकास किया है इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से पढ़िएगा कोई भी डाउट है नेक्स्ट सेशन में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मिलते हैं कल तब तक अपना ध्यान रखिए रिविजन करते रहिए थैंक यू